पौड़ी जिला अस्पताल को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा संचालित किया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता ने उन्हें बार बार पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की सूचनाएं मिल रही थी। जनता हर बार अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह कर रही थी, जिसके बाद वो जनता के हित को देखते हुए जल्द फैसला लेने जा रहे हैं। धन सिंह रावत ने आगे बताया कि जिस वक्त अस्पताल को पीपीपी मोड पर बना दिया गया था उस वक्त सरकारी डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन अब उनके पास सरप्लस डॉक्टर्स हैं। 5 साल पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपीपी मोड पे दिया था, और मैं जब भी पौड़ी आता हूँ तो जनमानस की यही रहता है कि साहब इसको हटाना चाहिए। तो ये घंडियाल इसका क्लस्टर में एक हॉस्पिटल वो भी है, पाबो हॉस्पिटल भी है, और आज भी माननीय विधायक जी हो गए, सारे जनप्रतिनिधि मुझे मिले थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो गए, हमारे पूर्व पार्षद भी हो गए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हो गए, सभी लोग काफ़ी लोग मिले थे, और उन सब का ये कहना था कि साहब यहाँ पे रेफर केस काफ़ी हो रहे हैं। तो अब मैंने सबकी सुनी है और सबका एक ही मत है कि इसको हटाना चाहिए। तो जो लोगों का मत है उस पर हम जरूर आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर अब निर्णय कर दें। उस समय हम पे डॉक्टरों की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी, अब हमने नर्सिंग स्टाफ भी पूरा कर दिया है, A&M भी पूरे भर दिए हैं, टेक्नीशियन भी पूरे आ गए हैं, डॉक्टर भी अब हमारे पास MBBS डॉक्टर जो है सरप्लस हो गए हैं। तो जब अब हम पे संसाधन हो गए हैं तो मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड है उसको हम पूरा जरूर करेंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था, और यहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके द्वारा उन मरीजों को देखा जा रहा था, और कई थोड़ी सी बड़ी समस्या आ गई तो वो व्हाट्सएप या मोबाइल के थ्रू उनसे सलाह लिया करते थे। हमें दिक्कत उसकी थी, दिक्कत हमें ये नहीं थी कि इंद्रेश चला रहा